हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। साथियों, तो अभी का टॉपिक देखेंगे वह करंट अफेयर स्टडी का। तो पहला प्रश्न है, 13 दिसंबर 2021 को 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता? तो इसका नाम क्या, हरनाज संधू। हरनाज संधू ने भारत जो भारत की रहने वाली है, और उसने 17वीं मिस यूनिवर्स दौरे का, इसका यूनिवर्स मतलब कि विश्व स्तर पर ये जो 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 परफॉर्मेंस की उसी के आधार पर हरनाज सिंधु को यह ताज पहनाया गया। अगला, 14 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला, टाइम पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो टाइम पत्रिका के अनुसार जो पर्सन ऑफ द ईयर जो नामित किया गया वह एलन मस्क है। एलन मस्क को जो टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित घोषित किया है। अलग, किसने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार संभाला? तो रविंद्र वाकर। रविंद्र वाकर है जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, जो चिल्ड्रन का फिल्म है, सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के पद में, मतलब कि चिल्ड्रन जैसा फिल्म, मतलब उसके एज रिलेटेड ग्रुप, चिल्ड्रन के एज के रिलेटेड का ग्रुप जो फिल्म सोसाइटी है, उसका पदभार सीईओ बने कौन? रविंद्र वाकर। अला, माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशाला कहाँ रखी गई? तो गुजरात में। माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो गुजरात में रखी गई है माँ उमिया धाम। किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला? तो राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया मिला। 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया गया। किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजियन 605 उपग्रह लॉन्च किया? सीजियन 605 उपग्रह लॉन्च किया तो चीन के द्वारा यह किया गया। किस राज्य ने कि मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया? तो बिहार के मिथिला मखाना को। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का प्रशिक्षण शुरू किया? तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के द्वारा पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का जो प्रशिक्षण किया गया, बिना सुई के ही कोविड को उपचार करने की यह प्रक्रिया शुरू किया गया। अला, स्कॉट वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ किस राज्य? तो उत्तराखंड। जो स्कॉट वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ। अला, किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? तो एम एम नरवणे साहब चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में क्या क्या कार्यभार को संभालें? अला, सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर थे, इनके पहले ट्रंप के पहले बराक ओबामा थे, वे क्या हुए? सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में शीर्ष पर हैं। और नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुए, 8वें स्थान पर हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ? तो यान पार्कर सोलर प्रोबर ने जो सूर्य को छुआ वो किसका? अंतरिक्ष एजेंसी नासा का, यानी अमेरिका वाला नासा का। हमारा भारत का क्या? इसरो है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल क्या हो रहा? शीर्ष पर रहा पश्चिम बंगाल। किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेल जी खोरलो दिया? तो भूटान के द्वारा। क्या चीज? नगदक पेल जी खोरलो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने को फैसला किया? तो 21 वर्ष तक। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो कुमार मंगलम बिरला को। किसे? कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। किसने लंदन के विंडसर कैसल
में नाइटशूट की उपाधि प्राप्त की। तो लुइस हैमिल्टन ने लंदन के गांव विंडसर कैसल में नाइटशूट की उपाधि प्राप्त की। अगला 17 दिसंबर 2021 को किस बैंक की आधार दर 0.1% तक की वृद्धि हुई है? तो किसका? तो एसबीआई का, एसबीआई का 0.1% तक की आधार दर वृद्धि हुई है। हालांकि व्हाट्सएप ने कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो 500 गांवों को डिजिटल भुगतान मतलब डिजिटली पेमेंट व्हाट्सएप के भी माध्यम से कर सकते हैं। तो कितने गांवों को क्या? तो 500। टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो सिमोन बिलेस को। इसको सिमोन बिलेस को टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया। उनका नाम क्या है? सिमोन बिलेस। 18 दिसंबर कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। अगला कि 18 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की? सहाय योजना किसने शुरू की? तो झारखंड सरकार द्वारा सहाय योजना। किसके द्वारा? झारखंड सर सहाय योजना। किसे फ्रेंच सिनेमा का सीजर डी होनर सम्मान मिलेगा? तो केट ब्लैंचेंट को सीजर डी होनर सम्मान मिलेगा। किसको? तो केट ब्लैंचेंट। आरबीआई ने किस बैंक का अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया? तो आरबीएल बैंक का। पैरालंपिक अवार्ड 2021 में वेस्ट फीमेल डेब्यू खिताब किसने जीता? तो अवनी लखेरा ने। वेस्ट फीमेल अवार्ड का खिताब किसने जीता? अवनी लखेरा ने। किस राज्य ने थाई बजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया? तो थाई बजथू को जो राजकीय गीत है वो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपना घोषित किया थाई बजथू को। किसने 2021 ITF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच ने ITF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। 19 दिसंबर कौन सा दिवस मनाया? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया, गोवा मुक्ति दिवस। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर से प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। शक्तिशाली तूफान राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? फिलीपींस। राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो फिलीपींस को। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निप्री का प्रशिक्षण किया? कहाँ? तो ओडिशा में। कहाँ? तो ओडिशा में अग्निप्री के प्रशिक्षण ओडिशा में। कहाँ की सरकार ने हिंदू उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला लिया? तो जम्मू कश्मीर में। भारत ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की? तो उज्बेकिस्तान के। किसने? तो उज्बेकिस्तान। भारत ईरान के साथ साथ उज्बेकिस्तान। 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से कितने स्टारलिंग उपग्रह लॉन्च किए? तो 52। कितने संख्या में? तो 52। 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावी देश कौन बना? तो ब्राज़ील। किसने बना? तो ब्राज़ील ने। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? अंडमान निकोबार। मुवाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? एंड्री रूबलेव ने मुवाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता एंड्री रूबलेव। किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू की? योजना 2022-23 शुरू की हरियाणा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने ये समय हरियाणा में होता है क्योंकि वहाँ पर देखिए अभी भी जो अभी ओलंपिक हुआ टोक्यो ओलंपिक वहाँ भी हरियाणा के जो नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया था गोल्ड, हरियाणा सरकार ज़्यादा इस पर ध्यान देती है।
किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू किया? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार। अगला, दिसंबर 2021 को NCERB का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? विवेक गोगिया को। विवेक गोगिया को NCBR का नया निदेशक नियुक्त किया गया। विवेक गोगिया को। अगला, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तेलंगाना में। तो आज के लिए इतने साथियों, अगले क्लास में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करें।